पंजाब राज्य से नहरों के अंदर केमिकल युक्त पानी आने को लेकर एक ज्ञापन मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ को सौंपा गया है। जन स्वास्थ्य मंत्री के नाम यह ज्ञापन है और राज्य स्तरीय प्रदूषण कमेटी के सदस्य मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ से मिले हैं और अवगत करवाया गया है कि पंजाब से जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है उससे बीमारियाँ फैल रही हैं, पीने का पानी शुद्ध नहीं है, इसीलिए इसको रोका जाए। लेकिन जो इस कमेटी के सदस्य हैं वे आम आदमी पार्टी के भी सदस्य हैं। अच्छी बात है, केमिकल युक्त पानी को रोकने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के सदस्य होने के नाते उनको पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या को अवगत करवाना चाहिए, पंजाब के मंत्रियों से उनको मिलना चाहिए, डेलीगेशन यहाँ से जाना चाहिए और वहाँ भी मांग होनी चाहिए, क्योंकि वे आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं। उनकी ड्यूटी भी बनती है कि अपनी ही सरकार जो पंजाब के अंदर उनकी सरकार है उसके जरिए इसको रुकवाने का प्रयास करें। लेकिन यह समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से चली आ रही है। केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए लाखों रुपए स्वीकृत भी किए गए हैं और पानी को शोधन कर और उसको फिर छोड़ने की बातें पंजाब के अंदर हुई हैं। कुछ काम हुआ है लेकिन उसकी गति जो है धीमी है। केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि अभी तक खर्च भी पंजाब सरकार नहीं कर पाई है। जो कमेटी के सदस्य हैं जो आम आदमी पार्टी में भी हैं उनको भी चाहिए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी गई है उसका सदुपयोग सही समय पर कर और जो पंजाब से नहरों के अंदर केमिकल युक्त पानी आ रहा है उसको रोकने के प्रयास पंजाब सरकार से भी जाकर करें तो अच्छा रहेगा। और हनुमानगढ़ के सहित अन्य ज़िले जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको राहत मिल सकती है और राजस्थान सरकार जो बीजेपी सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बीजेपी पार्टी को भी चाहिए कि पंजाब के अंदर हस्तक्षेप कर जो नहरों के अंदर केमिकल युक्त पानी लंबे समय से समस्या आ रही है और जो समस्या दूर नहीं हो रही है जिसके कारण अनेकों बीमारियों का पंजाब राज्य के अंदर और राजस्थान के अंदर जनता को बीमारी झेल रही हैं, उसको रोकने के लिए चाहिए कि दोनों सरकारों को आपस में बातचीत कर इस समस्या को हल करना चाहिए। और जो केंद्र सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध करवाई गई है, पंजाब सरकार को उपलब्ध करवाई गई है, उसको खर्च कर सही समय पर जो पानी को शोधन के लिए यंत्र वहाँ लगने हैं, जो समस्या वहाँ उठ रही है उसको दूर करना है, उसके लिए तो कुछ काम होना चाहिए। और हम तो यही चाहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के जो इस कमेटी में भी सदस्य हैं वे पंजाब सरकार पर जाकर दबाव डालें तो जनता को राहत मिल सकती है, अन्यथा मात्र ज्ञापन देना और फॉर्मेलिटी पूरी करना उससे काम नहीं चलेगा। हम तो यही कहेंगे कि पंजाब सरकार पर आप स्वयं जाइए और मिलिए, आम आदमी पार्टी के आप सदस्य हैं, जनता को अगर आपके जरिए पंजाब सरकार पर दबाव बनाकर राहत मिलती है तो वास्तव में जनता आपका धन्यवाद भी करेगी। देखते हैं, यहाँ कमेटी के सदस्य हैं, जल शोधन कमेटी के सदस्य हैं, प्रदूषण के सदस्य बने हुए हैं, वे आम आदमी पार्टी के सदस्य होने के नाते क्या पंजाब सरकार से जाकर बात करते हैं, क्या दबाव बढ़ाते हैं या नहीं, जहाँ फिर यहीं ज्ञापन देने तक सीमित रहते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।